यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। पुलिस एसोसिएशन, पुलिस मेंस एसोसिएशन और पुलिस चतुर्थ कर्मचारी संघ एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर पलामू जिले के आंदोलित तमाम पुलिसकर्मी बुधवार को सामूहिक उपवास पर रहते हुए अपनी ड्यूटी दी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले चरण में काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी दी गई, लेकिन सरकार व वरीय पदाधिकारियों की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कहा, अन्य राज्यों की तर्ज पर 13 माह का वेतन भुगतान करना झारखंड सरकार भी सुनिश्चित करे। बतलाई की पर्व त्योहार जैसे अवसरों पर वे परिजनों के साथ खुशियां बनाने की बजाय कार्य क्षेत्र में मुस्तैद रहकर लोगों की हिफाजत में लगे रहते हैं, लेकिन सरकार इस बात की अनदेखी कर रही है। कहा, अब भी मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन के तहत अगले चरण में आगामी 28 फरवरी से अगले 5 दिनों के लिए तमाम पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। पुलिस कर्मियों की 7 सूत्री मांगों में चिकित्सा सुविधा देने के अलावा 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित करना और 7वां वेतन लागू करना भी शामिल है। पलामू पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एकजुटता से उपवास पर डटे पुलिस कर्मियों ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पुलिस कर्मियों को मिलने वाले तमाम भत्ता आदि दिए जाने के साथ ACP और MACP का लाभ नियुक्ति तिथि से देने की मांग की है। पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन, पलामू पुलिस एसोसिएशन, पलामू पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एसोसिएशन, सभी हम लोग को द्वितीय चरण का आंदोलन है। पहला चरण हम लोग काला बिल्ला लगा के सरकार से मांग किए थे, जिसमें हम लोग की कुछ नहीं सुना गया। यह द्वितीय चरण का आंदोलन है जो हम लोग के 1 दिन का उपवास कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर है। अगर सरकार यहाँ से भी नहीं हम लोग को बात सुनती है तो हम लोग 28 तारीख से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे सारे पुलिसकर्मी। अगर जानिए रहे कि सारे SP, DIG, DGP, मंत्री, विधायक, सारे झारखंड के वरीय अधिकारी से लेकर सरकार के पास हमारे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, बॉडीगार्ड के रूप में हैं, सारे लोग सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिससे विधि व्यवस्था चरमराएगी झारखंड सरकार की। तो इसमें सारे जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी, यहाँ के मुखिया की होगी। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग को मांग नहीं माना जा रहा है। हमारा मांग क्या गलत है? हम लोग छठ, दीपावली, होली सारे लोग अपने घर पे छुट्टी अवकाश में चले जाते हैं। हम झारखंड के 70,000 पुलिसकर्मी हर हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, जिसमें हम लोग को क्या दिक्कत है हमारी मांग पूरी करने में। हम लोग का जो उचित मांग है हम लोग को सरकार के तुरंत मांग को मान लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, और नहीं मांगती है तो हम लोग एकदम शांति व्यवस्था से देखिए आंदोलन चल रही है। पुनः 28 तारीख से हम लोग सामूहिक अवकाश पर शांति से सारे लोग चले जाएँगे।